कितनी भी बेकार बेजान दाग धब्बों वाली स्किन क्यों ना हो, बिफोर और आफ्टर में आप देख रहे हो तो इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। आपकी स्किन शीशे की तरह चमकेगी, जो ग्लो आप देखना चाहते हो ना अपने चेहरे पे, जो निखार आप चाहते हो वो आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है आपको, बेसन में दो चीज़ें मिक्स करनी है और डेली सुबह इसे अपने चेहरे पे लगाना है लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। बाकी आगे मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। क्या हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और स्किन मानो मुरझा सी गई है, एकदम बेकार रुकी हुई सी नज़र आ रही है, कोई ग्लो नहीं है चेहरे के ऊपर, साथ ही टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। घबराइए नहीं है, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली हूँ। किचन में इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, आपको लेकर के आने हैं, उठाने हैं और यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करने हैं, बस आपको मॉर्निंग में जो आप अपना साबुन, फेस वॉश जो भी इस्तेमाल करते हैं ना, बस उसको हटा देना है। और ये जो मैं आज रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, इसे एज अ फेस वॉश आपने इस्तेमाल करना है मॉर्निंग में। सुबह उठते ही आपने ये काम करना है। सुबह उठते ही नहीं करना चाहते हो तो रात को जब आप अपने काम से लौट करके घर आ जाते हो, डिनर विनर सब कर लिया, उसके बाद आपने अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है। कैसे करनी है ये स्किन केयर, मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने गुलाब जल लेना है, किसी भी ब्रांड का जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने घर पे खुद से बनाया हुआ है, कैसे बनाना होता है, बस जस्ट आपको फ्रेश गुलाब लेने होते हैं, उनको बॉईल करना होता है और उसको स्टोर कर देना होता है। तो अगर उस तरह का है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं है उस तरह का तो रेडीमेड लीजिए मेरी तरह। अब लेना है कॉटन बॉल और उसमें आपको इस तरह से गुलाब जल ऐड कर लेना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। इस तरह से आपने गुलाब जल ऐड कर लिया और अब डिनर हो गया था कंप्लीट, उसके बाद आपने बस इस गुलाब जल को लेना है और अपने चेहरे पे इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से लगा लेना है। चेहरे पे पूरे चेहरे को कवर करना है, आप अपनी नेक को भी कवर कर सकते हो, तो इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाना है। और गुलाब जल की ज़रूरत महसूस हो रही है, भाई गर्मी है, एकदम से सारी चीज़ें सूख के बेजान सी हो जाती है, और ज़रूरत पड़ रही है आप और लीजिए और फिर आप अपने चेहरे पे इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाइए। सिर्फ यही काम अगर आप रोज़ाना सुबह भी और शाम को भी करते हो ना, बस इस तरह से कॉटन में अपने गुलाब जल लेना है, उसको अपने चेहरे पे इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाना है, छोड़ देना है, तो ये आपके लिए एक टोनर का भी काम करेगा और ये एक बहुत ही बढ़िया क्लिंजर भी होता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण, हानिकारक सूरज की रेज थी, चाहे कुछ भी आपकी स्किन ने झेला है, तो शाम को आकर के बस आपने इस तरह से गुलाब जल पहले टैप टैप करते हुए लगाया, उसके बाद यही चीज़ से आपने अपने चेहरे को इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन कर दिया। ठीक है, ये काम बहुत ज़रूरी है, डेली करना है आपको। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोगों को गर्मियों के मौसम में पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करें अगर पिंपल्स हो रहे हैं? भाई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पिंपल्स अगर आपके रह गए ना 2-3 दिन, पस पड़ जाती है और आप उनको फोड़ने शुरू करते हो, फिर क्या करते हैं, फोड़ने के बाद इनका एक दाग जैसा छूट जाता है जो कि फिर ईजिली हटने का नाम नहीं लेता। तो आपने इतने चक्कर में नहीं पड़ना, जिस दिन भी आपको पिंपल्स हुए उस दिन आपने क्या करना है, इस तरह से एलोवेरा जेल ले आना है। घर पे है तो वो आप ले सकते हो, एक छोटा सा स्लाइस आपने काटना है, और मैं यहाँ पे रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, तो रेडीमेड केक किसी भी ब्रांड का जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आपको लेना है। इस तरह से अपने हथेली में लीजिएगा, देख पा रहे हो आप अच्छे से, तो इस तरह से आपने लेना है। और अब इसमें आपने क्या करना है, जी हाँ, जादुई चीज़ ऐड करनी है जो कि है हल्दी। हल्दी लेनी है, चुटकी भर हल्दी, और आपने इसी एलोवेरा जेल में उसे मिक्स कर लेना है। सिर्फ हाथ पे ही ये काम करना है, कोई बाउल लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मिक्स कर दिया, देख रहे हो आप, इस तरह से हल्दी और ये जो गुलाब जल था, सॉरी, हल्दी और एलोवेरा जेल था, इसका आपने पेस्ट तैयार कर लिया। पहले गुलाब जल की मदद से अच्छे से चेहरे को टोन किया, क्लीन किया, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं, अभी मेरे को यहाँ पे एक हो रहा था तो उस पर मैंने रात को ही लगाया था, और अभी ये बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल एकदम मर गया, डेड हो गया, तो फिर से मैं लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जस्ट इस पर ये लगाया था, ये जो पेस्ट तैयार किया अभी, दो चीज़ों का, हल्दी एलोवेरा जेल, और बाकी और तो नहीं है कहीं भी, पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ है, इस तरह से जहाँ पर भी आपके पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, वहाँ वहाँ इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। थोड़ी देर में ये सूख जाएगा,
फिर से एक कोट लगा लीजिएगा। और इसको अब आपने छोड़ देना है जब सूख जाएगा रात भर के लिए। सुबह जब आप देखोगे तो आपका पिंपल्स इस तरह से बिल्कुल डेड हो जाएगा, मर जाएगा, हट जाएगा। और फिर इसके जिद्दी दाग, अगर इन केस आपका पिंपल्स चला तो गया लेकिन जिद्दी दाग अभी भी है, तो उन दागों पे, उस दाग पे भी डेली आपने ये काम करना है, अच्छे से इस तरह से मसाज कर लेना है। एक्टिव एक्ने है तो बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, बस ऐसे लगाना है और छोड़ देना है। लेकिन अगर एक्टिव एक्ने नहीं है, हटने के बाद दाग रह गया था, तो उस पर आपने थोड़ी देर के लिए मसाज करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक जाए, अब्सॉर्ब हो जाए और डीपली आपकी स्किन को निखारने का काम करे। ये जो एलोवेरा और हल्दी का पेस्ट है, इसे आप अपने चेहरे पे पूरा एक लेप की तरह भी लगा सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि लेप की तरह लगा दिया तो क्या होगा, कि हमारी जो हल्दी है हमारे चेहरे पे बहुत ही पीला पीला सा कलर छोड़ देगी। ऐसा होगा तब जब आपने जो खाने वाली हल्दी होती है ना, जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ऐड कर दी है तो बेशक ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं, आपकी स्किन को पीला पीला कर देते हैं। जबकि ये जो आपकी प्योर हल्दी होती है, जैसे अंबा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या फिर घर पर आपकी शुद्ध हल्दी है, तो वो ये देखिए आपकी स्किन को उतना पीला नहीं करती, हल्का पीला तो करेगी। लेकिन इसका उपाय भी बता देती हूँ, जो हल्का पीला कलर हुआ है वो भी बिल्कुल हट जाएगा। वैसे तो आप इसको रात भर रहने दीजिए। आपने सुना ही होगा कि हल्दी आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। हल्दी और चंदन का जो मिश्रण होता है आपकी स्किन को एकदम निखार के रख देता है। अगर है उस तरह का तो वो भी आप इसमें ऐड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आपने देखिए सुबह उठते ही क्या करना है, आपने एक टमाटर का एक स्लाइस लेना है और उसको इस तरह से रब करना है अपनी स्किन पे। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, और विटामिन सी जो है ना, बड़े से बड़े दाग धब्बे को हटाने के लिए, लाइट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आपने बस खाली वो रब करना है और फिर कुछ देर के बाद ठंडे पानी से मुँह धो लेना है, तो आप देखोगे कि वो दाग, वो पीलापन आपके चेहरे पे नहीं होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि आपने सुबह साबुन फेस वॉश की जगह अब इस चीज़ से अपना फेस धोना शुरू कर देना है। आप इस चिलचिलाती गर्मी में भी पाओगे कि आपकी स्किन निखरती जा रही है, एक गज़ब का ग्लो आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ जितने भी फेस पे टैनिंग है, दाग धब्बे हैं, कोई भी समस्या है ना, वो धीरे धीरे हटती चली जाएगी। बस रेगुलर आप ये काम करना शुरू कर देना। तो इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा बेसन। एक चम्मच के करीब आपको यहाँ पे बेसन लेना है। बेसन जो है ज़बरदस्त गुण होते हैं इसमें आपकी स्किन को निखारने के, ना सिर्फ स्किन को निखारने के ही, इवन अगर आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर हैं उनको आप नेचुरली रिमूव करना चाहते हो और कोई एक ऐसा नेचुरल तरीका चाह रहे हो, तो ये बेसन अपना रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो एक चम्मच ले लिया मैंने बेसन, दूसरी मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, क्योंकि ये आपकी स्किन से अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करने का काम करता है, और हल्दी जो है ना एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके लिए कम्बिनेशन बन के रेडी होता है। जो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ बस एज इट इज़ आपने इसी तरह से ये यूज़ करनी है। इसके बाद आपको जो यूज़ करना है वो है शहद। शहद मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये भी आपको ऐड करना है। कुछ लोगों का सवाल हो जाएगा कि भाई मेरी स्किन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं शहद यूज़ करूँ या नहीं करूँ। चाहे से स्किन ऑयली है, चाहे से ड्राई है, चाहे से कम्बिनेशन है, हर तरह की स्किन टाइप को ये सूट करता है। इन केस किसी को सूट ना करे तो वो स्किप कर सकता है, बट ऐसा बहुत रेयर चांस होगा। शहद आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये स्किन को एकदम साफ़ कर देता है। कभी भी शहद आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके चेहरे पे लगाना, चेहरे को धोना, आप पाओगे कि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है कुछ ही देर में। तो इस तरह से पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो ये आपने लेना है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, मेरा गुलाब जल कहाँ गायब हो गया इसके बाद क्या करना है आपने, कि इसमें लगभग एक चम्मच के करीब डाल देना है एलोवेरा जेल। आप घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, बस थोड़ा सा उसका जो काम करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत है, उसको आपको मिक्सर जार में या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उस तरह से उसका जेल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो और आपके घर के आसपास है तो वही वो सबसे प्योर होता है, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त आएंगे।
अगर ये आपको रिज़ल्ट देना शुरू करेगा हफ्ते के अंदर, तो वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। तो ऐसा है। बाकी अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर आपका पैक जो है अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप इसमें गुलाब जल भी ऐड कर लीजिए। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और आजकल के मौसम के लिए एक वरदान से कम नहीं है स्किन के लिए। आपकी स्किन को यह हाइड्रेट भी करेगा और आपकी स्किन को टोन करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड करते हुए आपको इसमें गुलाब जल ऐड करना है। आप इसमें या फिर आप इसमें एलोवेरा जल ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इस तरह से आपने इसे ऐड करना है। बाकी अगर दही ऐड करना चाहते हो तो आपने इसमें एलोवेरा जल ऐड नहीं करना है। दही और एलोवेरा एक साथ यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से अब देखिए ये आपका जो पैक है बन के रेडी हो गया है। और इससे अब आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है, अच्छी तरह से एक लेप लगा लेना है अपने चेहरे पे और फिर इसको छोड़ देना है जब तक ये सूखता नहीं है। जब सूख जाएगा तो फिर आपने इसको पहले पानी का छींटा मारना है अपने चेहरे के ऊपर और फिर हल्के हाथों से रब करते हुए, इस तरह से मसाज करते हुए इसको आपने उतारना है। जब आप इस तरह से इसे उतारोगे तो आप देखोगे कि चेहरे के अनवांटेड हेयर रिमूव हो रहे हैं लगातार। कुछ कुछ तो मतलब झड़ के आपके पास दिखेंगे, आपको एकदम से नहीं होंगे भाई, रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है ना एक ही दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं देते हैं। रेगुलर जब यूज़ करते हो आप तभी आपको फिर रिज़ल्ट्स मिलते हैं और फॉर एवर के लिए रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से आपने फिर रिमूव करना है। इससे आपको डेड स्किन जो आपके चेहरे पे होगी वो निकल जाएगी, जो कालापन है वो उतरेगा, ब्लैकहेड व्हाइटहेड की समस्या है वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी आपको एक बार चेहरा धो करके फिर रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे ना, हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको चेहरा धोना है और कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। ट्रस्ट मी, आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और कुछ भी आपके पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें। खाली आपको किचन की कुछ ये चीज़ें लेनी है और इस्तेमाल करनी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।